यूपी के भदोही जिले में जज को धमकी देने के आरोप में ज्ञानपुर के विधायक विजय मिश्र पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि भदोही के रहने वाले बिहार के शिवहर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन नाथ को विधायक ने धमकी दी। मुख्यमंत्री से की गई शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जज ने विधायक पर आरोप लगाया कि धारा 376 में फंसाकर नौकरी खत्म करवाने की धमकी विधायक ने दी। हालांकि विधायक ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर अब जांच पड़ताल में जुटी है। मैंने फोन मिला कहा, हमका जज साहब आप संपन्न आदमी हैं, किसी कमजोर की आप जमीन कब्जा न करें, उसमें हम आपकी मदद नहीं कर पाए। और जो कह रहे हैं कि इनसे जान का खतरा है, कहीं सुसिद्ध साबित कर दे कि फोन से आदमी से कहीं, तो हम राजनीति नहीं जिंदगी से आउट हो जाएंगे। जज ने लिखित तहरीर दिया है, उसी के आधार पर जो वर्तमान समय में विधायक ज्ञानपुर है श्री विजय मिश्रा जी, उन्हीं का खिलाफ एप्लीकेशन दिया है। पुलिस ने उन्हीं का विधायक जी का खिलाफ अभी 506 का IPC का लिखा है, अभी सूर्यावत थाना में आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज में चल रहे कुंभ में कैबिनेट की बैठक से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लेटे हनुमान जी के दर्शन किए। इसके बाद हुई कैबिनेट बैठक में यूपी में दुनिया का सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेसवे बनाने का फैसला लिया गया, जो पश्चिमी यूपी को प्रयागराज से जोड़ेगा। लेकिन इस कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री लेटे हनुमान जी के मंदिर गए, जहां उन्होंने मंत्रोच्चार के बीच पूजा की। इस दौरान सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने प्रतिमा पर फूल चढ़ाए और फिर दूध दही और जल से उनका अभिषेक किया। इसके बाद उन्होंने आरती की। मुख्यमंत्री के साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी और डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। मंदिर दर्शन के बाद हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश को गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात देने का बड़ा फैसला लिया गया। हमारी कैबिनेट ने एक सैद्धांतिक सहमति दी है कि हम उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग को प्रयागराज से कैसे जोड़ेंगे, इसके लिए गंगा एक्सप्रेसवे। इसके अलावा योगी कैबिनेट ने बुंदेलखंड के विकास के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाने का भी फैसला किया, जिसकी जानकारी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। वहीं योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि प्रदेश में बनने वाला गंगा एक्सप्रेसवे दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। करीब 600 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे पश्चिमी यूपी के मेरठ से प्रयागराज तक बनाया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए 6,556 हेक्टेयर जमीन का इस्तेमाल होगा। यह एक्सप्रेसवे 4 लेन का होगा, जिसे 6 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में करीब 36,000 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है।